साइंसेज पटना इज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार मिस्टर सुशील मोदी। मोदी जी, सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अब स्वस्थ हैं? आपको कोरोना हो गया था? ये ऑल द पैरामीटर्स आर नॉर्मल, सीटी स्कैन इज नॉर्मल, देयर इज नो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, नो फीवर, बट स्टिल बिकॉज इट टेक्स टाइम सो आई टेकन एडमिशन इन टू एम्स, सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी वेल एंड आई पर्सनली फील दैट विद इन 4 or 5 days I will be able to join the campaign. Sure. But Mr. Modi, I'm sure you must have heard comments coming in from many people in the opposition who say that if the deputy chief minister is you know, can contract this virus, just imagine what is happening as far as election rallies are concerned. And this is also a telling commentary of the manner in which the state government has handled COVID-19. How do you respond to that? See, Bihar is one of the best performing state in controlling the COVID. In Maharashtra, there are more than 40,000 people who died because of COVID. And Bihar, we have been able to control the COVID pandemic. And till now, about 100 people have died. Unfortunately, 100 people have died. But we have been able to save lives of thousands of people in Bihar. And the death rate is also very less. And as on today, the recovery is 94%. And we are having testing facility even at the block headquarters. More than 1,25,000 testing is taking place per day. So what else you want in a bigger state like of a 12 crore population? जी ये बताइए, अब आप भी जानते हैं, देखिए RT-PCR एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें वो नेजल स्वाब लेते हैं, माउथ का स्वाब लेते हैं, वो वाला टेस्ट तो बहुत कम हो रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। आपको आप कंपेयर कर लीजिए बाकी राज्यों से, जो RT-PCR टेस्ट और जो एंटीजन टेस्ट है उसका जो रेशियो है, दैट इज द सेम रेशियो विच इज ऑफ ऑल इंडिया। इसमें ये कौन बोले, जितनी हमारे RT-PCR कम से एंटीजन टेस्ट तो हो रहा है ना, RT-PCR हमारी जितनी क्षमता है उतना कर रहे हैं, एंड द रेशियो इज द सेम ऑल इंडिया रेशियो जो है RT-PCR का, वही जो। और आप ही बताइए ना कि बिहार में केवल 1100 लोग डेथ किए, क्या किसी ने आंकड़ा छिपा लिया? एंड वाई पे वाई 40,000 पीपल डाइड इन महाराष्ट्र, वाई 10,000 पीपल डाइड इन तमिलनाडु, वाई द केरला से, इट इज नॉट आई एम ब्लेमिंग एनीबॉडी, आई नो कि ये एक ऐसी बीमारी है कि कोई दावा नहीं कर सकता है कि आज कंट्रोल में कल आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन मैं इतना दावा करता हूं, हमारे हॉस्पिटल में एम्स में हूँ, 80% बेड खाली पड़े हैं एम्स के अंदर, PMCH में, NMCH में, so now there is no panic, there is sufficient arrangement of oxygen beds, ventilators, doctors are now trained, people also know how to treat, how to go for a home quarantine, but still nobody can claim that it can't spike. But as on today, we have been able to control this pandemic to a great extent. जी, अब मोदी जी, मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इलेक्शन कैंपेनिंग, इट हैज रीच्ड फीवर पिच टुडे, प्रधानमंत्री आए, नीतीश कुमार भी वहां पर बोल रहे थे। एक चीज जो अजीब लगी और खटकी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में केंद्र की स्कीमों के बारे में ज्यादा जानकारी दी बजाय इसके कि बिहार में उन्होंने 15 साल में क्या किया है उसके बारे में, और फिर प्रधानमंत्री बोले। तो क्या जिस तरीके से अब विश्लेषण हो रहा है कि नीतीश कुमार को पहली बार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सहारा लेना पड़ रहा है, इट्स नॉट द सेम इक्वेशन एनी मोर एज इट वॉज इन 2005 एंड 2010 व्हेन नीतीश कुमार वॉज मोर इंपॉर्टेंट इन द मिक्स एंड द बीजेपी वॉजंट, इट्स द अदर वे अराउंड दिस टाइम। देखिए ऐसा है बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो डन मच मोर फॉर बिहार, तो केंद्र ने जो किया है कोरोना काल के अंदर तो उसका जिक्र करना कोई गुनाह है क्या? अगर 40 kg ration has been provided to each and every individual of Bihar, Bihar is having a population of 12 crore. And of 12 crore, 9 crore people are getting 5 kg of ration per person. So 40 kg ration per person, तो अगर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो कोई गुनाह है क्या, कोई गलत है क्या? अगर बिजली पहुंची है और आखिर 10 मिनट में कितनी बातें बोल सकता कोई आदमी, लेकिन जब नीतीश जी भाषण करते हैं या हम लोग जब जाते हैं तो सेंटर की उपलब्धियां और राज्य की उपलब्धियां नहीं, पर चुनाव तो राज्य का है ना। नरेंद्र मोदी एज वेल नीतीश कुमार, बट द इलेक्शन इज अ स्टेट इलेक्शन,
So naturally, talk about the achievement of the central government as well as the state government. No, I agree. You are in an alliance, but Mr. Modi, आप इस चीज का इल्म अगर हो कि ये राज्यों के चुनाव हैं, केंद्र का चुनाव नहीं है. लोकसभा में अगर ऐसी बातें बोली जाती तो समझ में आता. आप अपनी उपलब्धि नहीं गिना पा रहे थे, बिकॉज द पॉलिटिकल एलिगेशन इज कि लोग बहुत नाराज हैं. लेख लिखे जा रहे हैं कि किन मुद्दों पर नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं, कि अब उनको लोकप्रियता के लिए मोदी का सहारा लेना पड़ रहा है. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, बिजली पर किसी विपक्ष ने मुद्दा उठाया क्या? सड़क पर किसी ने मुद्दा उठाया क्या? दिस बीएसपी बिजली सड़क पानी इज यूजुअल, इट वाज एन इलेक्शन इशू इन ईच एंड एवरी इलेक्शन ऑफ इंडिया. भ्रष्टाचार पर मुद्दा उठाया, कोरोना पर मुद्दा उठाया, शिक्षा व्यवस्था पर उठाया. बिजली सड़क पानी इज नॉट एन इशू इन बिहार. व्हाई दे आर नॉट रेजिंग माइग्रेंट लेबर इज नॉट एन इशू इन बिहार. कोरोना इज नॉट एन इशू इन बिहार. बिजली का, सड़क का, पानी का, हम लोगों ने उसको टैकल किया है. और फिर ये केंद्र का, ये चुनाव राज्य का है, लेकिन केंद्र ने जो बिहार के लिए किया, नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट दे हैव डन इन अदर स्टेट्स, बट व्हाट दे हैव डन फॉर बिहार. So naturally, जब केंद्र में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार ने बिहार में जो किया, 1,25,000 करोड़ का पैकेज जो बिहार को मिला, आज जो पुल, पुलिया, सड़क, ब्रिजेस बन रहे हैं, किसी ने सोचा था क्या? नहीं, पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पुल बह भी तो रहे हैं. मोदी दोनों मिलकर बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं. नहीं, मैं सुशील मोदी जी, ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे मुद्दे नहीं उठाए विपक्ष ने, लेकिन जनता जिसका प्रतिनिधित्व ऐसा विपक्ष बताती है कि वो ज्यादा कर रही हैं आपके मुकाबले, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, शराबबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं, कोरोना संकट का मुद्दा उठा रहे हैं, बदहाल शिक्षा व्यवस्था और नए उद्योग और धंधे नहीं लगाए, इसके बारे में बातचीत हो रही है. कोरोना का मुद्दा किसने उठाया बताइए? कोरोना के बारे में एक लाइन बोला किसी ने? नहीं तो तेजस्वी यादव बोलते हैं. आप मुझे बताइए ना, कोरोना में इससे बेस्ट उनका तो ये कहना है कि चुनाव ही नहीं होना चाहिए था कोरोना काल में. नहीं है तो ये तो चुनाव आयोग से बात करें, हमसे क्यों बात करें? It is for the election commission to decide then why they are participating. They should have boycotted it. जी. उनको boycott कर देना चाहिए था. एक 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 मैं आपसे साक्षात राजनीति जी. आप जो बात बोल रहे हैं कि ये माइग्रेंट लेबर का मुद्दा, माइग्रेंट लेबर को 22 लाख लोगों को फ्री में ट्रेन में बैठा कर घरों तक पहुंचाया गया. लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में 15 लाख लोगों को रखा गया. आपको मालूम है क्वारंटाइन सेंटर में चटाई और शुरुआती दौर में तो बस नहीं चलाई ना बिहार ने. जी शुरुआती दौर में बिहार ने बस नहीं चलाई जिस तरीके से यूपी चला रहा था. आप कहां के रहने वाले हैं? क्या कोटा से बस से लोगों को लाया जा सकता था क्या? इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम कोटा, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम सूरत टू बाई बसेस? एंड हाउ मेनी डेज इट विल टेक? एंड हाउ मेनी पीपल विल कम? इज इट पॉसिबल? मिस्टर मोदी, अपने सवाल कैसे का जवाब दीजिए. आप जवाब करें कि बसों से नहीं लाए, इट वॉज नॉट फ्रॉम बनारस, इट वॉज फ्रॉम सूरत, इट वॉज फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम चंडीगढ़, फ्रॉम दिल्ली. माई ओनली पॉइंट इज दैट दिस इज द रिजर्वेशन दैट हैज बीन रेज्ड बाय पीपल एंड द ऑपोजिशन. आई एम ओनली आस्किंग यू क्वेश्चंस. ओनली सम मीडिया पीपल आर रेजिंग, नोबडी इज रेजिंग दिस इशू. ओके ओके, टू वेरी हैप्पी पीपल, द माइग्रेंट लेबर, दे आर हैप्पी व्हाट द नरेंद्र मोदी एंड व्हाट नीतीश कुमार हैज डन फॉर देम. दो सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप भी आराम करें. एक तो ये है कि आज प्रधानमंत्री ने सासाराम में जो रैली थी उसमें उन्होंने दो चीजें ऐसी बोली शायद जो कि खटकेगी नीतीश कुमार को. एक तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी रामविलास पासवान को, वो ठीक किया, उन्होंने रघुवंश बाबू को भी श्रद्धांजलि दी, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ कुछ नहीं बोला. आपने बोला, आपकी पार्टी बोल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है. तो एक तो ये उन्होंने कितना, इसका मतलब कि आपने ध्यान से सुना ही नहीं. हाँ, उन्होंने शुरू में कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं. पर ये तो तेजस्वी के लिए भी बोल सकते हैं. नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे, संकेतों में सारी बात कह दिया. और नीतीश जी इतने खुश हैं, आपको किसने कह दिया कि नीतीश जी ना खुश हैं? आज तो उन्होंने आपका ये कहना है कि कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये चिराग पासवान के लिए बोला था. बीएसपी का नाम लेंगे क्या?
बसपा का नाम जो नॉन एंटिटी है इलेक्शन के अंदर, जिनका आपको एक सीट भी जो लोग नहीं जीत सकते हैं, वाई द पीएम विल मेंशन दोज पार्टीज और दोज पीपल विल नॉट बी एबल टू बी इवन अ सिंगल सीट इन बिहार. सो दिस जाइव वाज फॉर चिराग पासवान. जो हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है आरजेडी है, कांग्रेस हम उस पर अटैक कर रहे हैं. अब बीसों पार्टी लड़ रही चुनाव, सब पर बोलना आवश्यक है क्या? और हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? मेरा आखिरी सवाल सुशील मोदी जी, व्हाट सुशील मोदी सिंह एंड व्हाट प्रकाश जावड़ेकर और अमित शाह सिंह, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन आपको लग रहा है क्या? ओके 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 मिस्टर सुशील मोदी, थैंक यू सो मच एंड होप यू गेट बेटर एंड हिट द ग्राउंड रनिंग. थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी.